सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग कोमल ब्लॉग्स। होप करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत अच्छे होंगे एंड आपको मेरे ब्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, स्पेशली हर्षिल के। सो आज हैं हम उत्तरकाशी में और हम निकल रहे हैं अब हर्षिल गंगोत्री के लिए। और अभी हमें एक खूबसूरत सी जगह, देखिए पीछे पहाड़ देखिए कितना सुंदर है। एंड अब हम लोग निकल रहे हैं, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अभी कुछ नहीं किया है, फटाफट रेडी होके 8 बज रहे हैं अभी हम लोग निकलते हैं। अब मुझे टाइमिंग का तो नहीं पता कि हमें कितना टाइम लगने वाला है वहाँ पहुँचने में, बट यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है एंड बहुत मज़ा आ रहा है। सो होप करती हूँ आपको भी मज़ा आ रहा हो मेरे इन ब्लॉग्स में। सो गाइस देखते रहिएगा एंड मिलते हैं हम आपको आगे एंड दिखाते हैं आपको खूबसूरत नज़ारे। सो गाइस देखिए इन पहाड़ों को कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस अभी मैं रोड क्रॉस करूँगी और पहाड़ चढ़ जाऊँगी। एंड ये सही में ऐसे ही है, यहाँ पे पीछे पे एक लेक है, अभी मैं जाते हुए आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ देखिए एक छोटी सी गाय माता है, इतनी प्यारी सी है वो, और व्यू देखिए। सो गाइस हम लोग निकल रहे हैं और मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा खराब, धूप आ नहीं रही है और हमारे ब्लॉगर दोस्त आगे आगे चल रहे हैं, सब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, सब लोग निकल रहे हैं। तो गाइस सारा सामान जो है गाड़ी में लोड हो चुका है और अभी हम चल रहे हैं, हमारी कौन सी नेक्स्ट लोकेशन है फिर? गंगोत्री। पहले हर्षिल, पहले हर्षिल जाएंगे यार, पहले तो मैनारी जाएंगे, मैनारी में एक वाटरफॉल दिखेगा। बस ठीक है फिर वहीं चलते हैं फिर। सो गाइस हम हो गए सब रेडी और मैंने जैकेट पहन ली है मोटी वाली क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। सो हम निकलते हैं फटाफट, बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये व्यू देखिए कितना फाड़ू है, कितना मजेदार व्यू है ये, वाव। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो इतना क्लासिक तक भयंकर व्यू है ना, मजा आ गया यहाँ पे इस वाली व्यू पे रुक के, 5 मिनट हम रुके, इतना मजा आया। और जब आप नेक्स्ट टाइम इस रूट से निकलोगे इस जगह पे रुक के आप जरूर जरूर एक बार देखना, यहाँ पे रुक के उस जगह की फील लेना, बहुत मजा आया। इधर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा व्यू है सर भाई, अल्टीमेट है यार, अभी इससे आगे और भी बढ़िया है। नाइस नाइस, फिर चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग अपने रूम से बाहर निकले थे और आए इतनी प्यारी जगह पे, देखिए कितना सुंदर व्यू है, हमें बहुत मजा आ रहा है। और तुमको कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी फील है, आगे जाके हम लेंगे और मस्ती। और अभी बहुत एक बारिश स्टार्ट हो गई थी और धूप भी नहीं आ रही थी, बट अब हल्की सी धूप है और हल्की हल्की बारिश है। तो निकल पड़े हैं हम अपनी मंजिल की ओर, हर्षिल वैली की ओर। उत्तरकाशी से हर्षिल के बीच की दूरी लगभग 80 से 85 किलोमीटर की है, तो चलिए साथ में सफ़र का और इन सुंदर सुंदर वादियों का मज़ा लेते हैं। सो गाइस अभी हम लोग रास्ते में ही थे कि हमें ये देखने को मिला ये सुंदर नज़ारा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं आपको कौन कौन से नज़ारे दिखाऊं, सारे ही नज़ारे बहुत सुंदर हैं। तो अशोक क्या कहना है? लगा सारे नजारे सुंदर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नाइस, वाह, हरा हरा। सो गाइस इतना मजा आ रहा है ना इसको देखने के बाद कि जैसे हम लोग हेवन में आ गए, और इतनी ज्यादा शांति है इधर कि बस चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। अभी आपको नहीं आ रही होगी क्योंकि पीछे सब लोग रील बना रहे हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है। एंड आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और क्या नज़ारा है यार। तो हम रुकते रुकाते व्यू का आनंद लेते हुए जा रहे थे और ये मैं बैठी हुई हूँ, झरने की आवाज़ सुन रही हूँ, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के, आप देख ही सकते हैं मैं कितनी खुश हूँ। हम लोग हैं अभी गंगोत्री के रास्ते पे और ये देखिए, और आवाज़ सुनिए कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है यहाँ से, नीचे नदी बह रही है, आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट आवाज़ सुनिए आप, इतनी तेज पानी की आवाज़ आ रही है और इतनी प्यारी आवाज़ लग रही है और बहुत ही सुकून दे रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और अब आ गई है थोड़ी सी धूप, जैसे ही मैंने कैमरा खोला तब आई है धूप और इतना अच्छा लग रहा है, मेरे हाथ हो रहे हैं बिल्कुल बर्फीले, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। और अब चलते हैं आगे के रास्ते पर, रास्ता देखिए आप, यहाँ चल रहा है फोटोशूट। तो मैं बैठी हूँ गाड़ी में और अभी तो मेरे पति भी,
अब बाहर हो रहा है फोटो शूट, पता नहीं इन्हें कितनी फोटोज खिंचानी है। दो दो घंटे रास्ते में रुक रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे हम, कैसे पहुंचेंगे हम लोग टाइम पे? कितना टाइम लगेगा, बट जब भी पहुंचेंगे हम पूरे मजे करेंगे जो हम करते हैं। पूरे मजे मतलब कैसे? आप बताओ, आप बताओ कैसे? वादियों को देखते हुए, वादियों को फील करते हुए। गलत ही सोचता मेरा मजे के। यहाँ पे हो रही है दो महायुद्धों की लड़ाई, और कौन जीतता है कौन हारा देखते हैं। लेकिन अभी भी लड़ाई कम नहीं हुई है, देखो यहाँ पे भीमकाय शरीर वाले माशक लड़ रहे हैं आपस में, और देखो यार कितना ज्यादा लड़ाई हो रही है, पूरा का पूरा सर फट चुका है। कभी कभी अदिति जिंदगी में ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अंधेरी में बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे मुझको आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे दिन को अभी ओके। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर मुश्किल और हर पल एक सजा, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए कैसे हंस दे मुझे, और कैसे कोई सोच दे दिन को अभी ओके। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का वेट, और मैंने और आशु ने करी है ट्विनिंग, और राहुल भैया ने भी, और अब लोग को लग रही है भूख। कितनी भूख लग रही है? बहुत ज्यादा। इतनी सी लग रही है मेरे को तो बहुत ज्यादा लग रही है। सो हमने आज भी ऑर्डर करे हैं पराठे, पराठे खाएंगे और पराठे जैसे हो जाएंगे क्या, हो ही रही हूँ मैं तो खैर। तो करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट और निकलते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर। और ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, ये और ये देखो दिन रात सुबह शाम इसको मैगी मैगी चाहिए बस, कपड़े भी मैगी जैसे और खा भी मैगी रहा। हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, और हम लोग हैं अभी गंग नानी में, और इससे लगभग 40 किलोमीटर ऊपर है गंगोत्री। भी देखते हैं कि टाइम अगर हमें मिल पाएगा तो हम गंगोत्री भी हो आएंगे, बट जिस तरह से हम लोग लेट कर रहे हैं, हर इतनी सुंदर सुंदर जगह है यार, बार बार रुकने का मन कर रहा है, फिर रुक रहे हैं बार बार तो लेट हो जा रही है, बट देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। सो गाइज अब हम लोग निकल चुके हैं गंग नानी से ब्रेकफास्ट करके, और अब लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 40-45 के अराउंड दूर है हर्षिल। पहले हमारा प्लान था गंगोत्री जाने का, अब देखते हैं कि कितनी लेट होने के बाद जाते हैं कि नहीं। अब हम निकल चुके हैं गंग नानी से हर्षिल की तरफ इन ठंडी ठंडी वादियों का मज़ा लेते हुए। पहाड़ों की बात ही कुछ और होती है, इनकी खूबसूरती देखते देखते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ये चिड़ियाओं की आवाज़, बहते झरनों की आवाज़, बहते हुए नदी की आवाज़ आपको इतना सुकून देती है कि आपको यहाँ बार बार आने का मन करेगा। गाइस ये देखो आप पहाड़ों की खूबसूरती। ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं, वो कहते हैं ना मंजिल से खूबसूरत रास्ते होते हैं, हमारी मंजिल भी खूबसूरत है लेकिन रास्ते उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने सुनहरे से रास्ते में जिसकी मैंने बात करी थी तुम लोगों को, और तो बहुत ज्यादा खुश होने वाले गाइस, वो रास्ता इस मोड़ के बाद नहीं उस अगले मोड़ के बाद है। अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो जगह थी अब तक की सबसे प्यारी जगह थी, हम बहुत देर से इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि हमारे दोस्त ने हमें बताया था इसके बारे में,
और ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं इतना सुंदर खूबसूरत पानी, इतना साफ, ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही आनंद दे रही थी। Check this view. मतलब इस जगह से तो मुझे प्यार ही हो गया यार। तो गाइज हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर रील्स बनाई हैं, जो कि आपको मेरे इंस्टा हैंडल पर देखने को मिलेगी कोमल मिश्रा के नाम से। सो गो एंड चेक इट, आपको ये रील्स बहुत पसंद आएगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। एंड इतनी खूबसूरत जगह आए हैं, रील तो अच्छी आनी है ऑब्वियसली यार। सो जरूर देखिएगा, ज़रूर 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 देखिएगा। और यहाँ भी सारे दोस्त मेरे लगे पड़े हैं रील्स बनाने में। उधर भी देखिए, यहाँ पे एक टनल है, वो टनल बहुत दूर निकलती है, ये भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो रही है स्नोफॉल। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख रही है क्योंकि बहुत ही हल्की हो रही थी और हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इस टाइम पे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। बट बहुत ही सुंदर व्यू था। देखिए ये हो रही है स्नोफॉल, फिर थोड़ी ही देर बाद स्नोफॉल रुक गया था तो हम लोग निकल पड़े अपने आगे रास्ते पे। और ये देखिए वहाँ का व्यू, कितना धासु है। कैसी फीलिंग आ रही है बेटा? ठंडी, मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। सो गाइस हम हैं एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पे, ये देखिए ऐसा लग रहा है मोहब्बते मूवी की शूटिंग यही हुई थी। जैसे पूरा येलोइश ऑरेंजिश जो लीव्स है इतनी प्यारी लग रही हैं। एंड हम लोग रास्ते में कपड़े चेंज करते करते जा रहे हैं ताकि हमारी एक ही क्लोथ में फोटो ना आए, तो इसलिए हम लोग रास्ते में अपनी जैकेट वैकेट एक्सचेंज कर ले रहे हैं। एंड ये मेरी प्यारी सी हुडा है और इसमें इतनी प्यारी प्यारी फोटो आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप वो देख पाओगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, सो फॉलो मी। एंड गाइज नीचे पे देखिए बहुत ही बड़ी एक नदी है। एंड ये नदी का पानी कितना प्यारा है, कितना क्लीन है, बिल्कुल ग्रीन है। और ये है वो जगह,
हम आ गए हैं हेवन में। सो यार मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस जगह पे आ पाई हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हर कोई यहाँ पे आ पाता है। सो गाइस इस टाइम पे हमें स्नोफॉल देखने के लिए मिली है और हम लोग इतने लकी हैं क्योंकि इस टाइम पे स्नोफॉल कभी होती ही नहीं है। एंड बीच बीच रस्ते में स्नोफॉल हो रही है, इधर थोड़ी देर हो रही है थोड़ी देर नहीं हो रही है, बट जो यहाँ का माहौल है वो इतना ठंडा है और इतना मज़े कर रहे हैं हम। वैसे मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, पर ये जो नज़ारा देख के ना मेरी तबीयत ठीक हो गई है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम हैं अभी हर्षिल के एक बहुत ही फेमस मोमोज के रेस्टोरेंट में, ये मेरे पीछे है वो रेस्टोरेंट, और अभी फिर चलते हैं अंदर, कुछ मोमोज वगैरह खाते हैं फिर अंदर। और अंदर सारे हमारे दोस्त बैठे हैं मोमोज खाने के लिए। मोमोज देखने से ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं, और अब इंतजार नहीं रहा दोस्तों जब हम खाते हैं। तो गाइस हमने यहाँ आते ही मोमोज खाए हैं, बहुत टेस्टी मोमोज थे, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड यहाँ की वादियों में जो भी फील आया होगा आपको भी, उसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा पोर्शन आपको बहुत अच्छा लगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।